हेलो दोस्तों दोस्तों हमने क्लेम्स ट्रिब्यूनल का चैप्टर शुरू किया था सॉरी हाँ क्लेम्स ट्रिब्यूनल का चैप्टर शुरू किया था मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंडर, और हमने ऑलरेडी सेक्शन 165, 166, 164 डिस्कस कर लिया था, सॉरी 167। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे भी लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें सपोर्ट मिलती है। प्लीज़ लाइक कर दिया करें अगर वीडियो अच्छी लगे। अगर अभी करना है अभी कर दो, अगर आपको भूल जाता है बाद में लाइक करना तो प्लीज़ अभी कर दो। आप वीडियो हमें देखते ही हो, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें, अभी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी अभी कर दें प्लीज़। हाँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 168 क्या बोलता है, 169 क्या बोलता है। आज की वीडियो लंबी नहीं होगी, आज मैं कम ही सेक्शन डिस्कस करूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो अगर बात की जाए सेक्शन 168 की, तो ये बात करता है अवार्ड ऑफ द क्लेम्स ट्रिब्यूनल। सेक्शन 168 अवार्ड ऑफ द क्लेम्स ट्रिब्यूनल। अवार्ड क्या होगा क्लेम्स ट्रिब्यूनल का, अवार्ड क्या होगा क्लेम्स ट्रिब्यूनल का। हमें चल गया पता सेक्शन 165 में क्लेम्स ट्रिब्यूनल की इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है, 167(6) में एप्लीकेशन फॉर द कंपनसेशन की बात की गई है। 167 में यह बोल दिया गया कि अगर वर्कमैन है कोई, उसे क्लेम्स मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर भी राइट है क्लेम करने का कंपनसेशन, और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर भी राइट है, तो वो किसी एक एक्ट में जा सकता है, दोनों में नहीं जा सकता। अब मान लो वो चला गया मोटर व्हीकल एक्ट में, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति ने क्या किया होगा, एप्लीकेशन दी होगी फॉर कंपनसेशन। और एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन कहाँ दी जाती है, सेक्शन 166 के अंडर। किसे दी गई होगी, क्लेम्स ट्रिब्यूनल को, जिसका एक्सीडेंट हुआ है या फिर उसका कोई ऑथराइज एजेंट है या फिर उसकी डेथ हो गई है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्लेम्स ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देंगे सेक्शन 166 के अंडर फॉर गेटिंग द कंपनसेशन। अब क्लेम्स ट्रिब्यूनल को तो एप्लीकेशन मिल गई, अब काम शुरू होता है क्लेम्स ट्रिब्यूनल का। क्लेम्स ट्रिब्यूनल क्या करेगा, अवार्ड देगा। तो क्लेम्स ट्रिब्यूनल क्या करता है कि जो उसको एप्लीकेशन मिली होती है, रिसिप्ट मिली होती है कंपनसेशन लेने के लिए, एप्लीकेशन मिली होती है, उस एप्लीकेशन को पढ़ता है, अंडरस्टैंड जो भी है देखता है, उसके बाद वो ऑपोजिट पार्टी को जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन दी गई है, ऑपोजिट पार्टी जिसने एक्सीडेंट किया था उसको नोटिस भेजता है, साथ में इंश्योरर जिसने उस गाड़ी की इंश्योरेंस की थी, चाहे इंश्योरेंस कंपनी कोई भी हो, पॉलिसी बजाज हो, यूनाइटेड स्टेट हो, अपने बजाज अलायंस हो, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है कंपनी है, उसको भी नोटिस देगा क्लेम्स ट्रिब्यूनल, नोटिस देगा, या तो ऑपोजिट पार्टी को भी देगा, इंश्योरर को भी देगा, और उनको बोलेगा कि आप अपना व्यू दो, उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, क्लेम्स ट्रिब्यूनल देगा, उनकी बातें भी सुनेगा। दोनों की बातें सुन के क्लेम्स ट्रिब्यूनल क्या करेगा, एक जस्ट कंपनसेशन डिसाइड करेगा। क्लेम्स ट्रिब्यूनल क्या करेगा, आफ्टर हेयरिंग बोथ द पार्टीज द क्लेम्स ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड द जस्ट कंपनसेशन। जस्ट का मतलब ये है कि रिजनेबल हो, सही हो, जस्ट हो, गलत ना हो, जस्ट वर्ड यूज किया गया है, अनजस्ट ना हो। कंपनसेशन देते टाइम क्लेम्स ट्रिब्यूनल देखेगा कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी उम्र कितनी थी, एज कितनी थी, वो क्या जॉब करता था, गवर्नमेंट जॉब थी, प्राइवेट जॉब थी, कितने पैसे कमाता था, कितने कमा सकता था, अगर वो मर गया है तो कितना नुकसान हुआ, अगर वो जिंदा है उसकी हाथ बाजू टूटे हैं, इंजरी हुई है, उसमें कितना नुकसान हुआ, सारी बातें देखेगा और जस्ट कंपनसेशन डिसाइड करेगा। जब कंपनसेशन डिसाइड करेगा तो वो अवार्ड हो गया, किसका, क्लेम्स ट्रिब्यूनल का। अब वो उस अवार्ड की कॉपीज, एक अवार्ड की कॉपी बनाएगा, ऐसा नहीं मुंह से बोलेगा, कॉपी बनाएगा प्रॉपर अवार्ड की, ये कंपनसेशन देना पड़ेगा। और अब अवार्ड की कॉपी बनाएगा तो उस अवार्ड की कॉपी को वो 15 दिन के अंदर अंदर 15 डेज के अंदर अंदर इंश्योरर
ऑपोजिट पार्टी और जो पार्टी ने केस किया था उन सभी को पहुंचा देगा। और जब वो अवार्ड देगा तो उस अवार्ड में बताएगा बताएगा कि कंपनसेशन कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी या फिर जिसने एक्सीडेंट किया है वो देगा, ओनर देगा या मिलजुल के देंगे, या ड्राइवर देगा जो ड्राइवर था गाड़ी चलाने वाला, हो सकता है ओनर अलग हो, ओनर ने कोई ड्राइवर को गाड़ी दे रखी हो, तो सभी मिलजुल के देंगे या कोई एक देगा या दो देंगे, ये सारी बातें क्लेम्स ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। और अवार्ड बनाएगा, कॉपी बनाएगा एक अवार्ड की, उस कॉपीज को जो कॉपी बनाई है वो ऑपोजिट पार्टी को, जो पार्टी ने बताया आपको ऑपोजिट पार्टी, इंश्योर पार्टी, जो केस करने वाली पार्टी है, उनको 15 दिन के अंदर दे देगा। और उस कॉपीज में, अवार्ड की कॉपी में लिखेगा, क्लेम्स ट्रिब्यूनल लिखेगा, क्या लिखेगा कि प्लीज़ जो कंपनसेशन लिखा गया है, जो कंपनसेशन देने की बात की गई है, वो कंपनसेशन आप एग्रीव्ड पार्टी को 30 दिन के अंदर अंदर दो, 30 डेज के अंदर अंदर डायरेक्शन भी दे देगा। क्लेम्स ट्रिब्यूनल क्या करेगा, वो उस कॉपी ऑफ अवार्ड में, जो कॉपी अवार्ड की, उसमें डायरेक्शन दे देगा, लिख देगा कि जो कंपनसेशन हमने डिसाइड किया है उसे आप 30 आज से लेकर 30 डेज के अंदर अंदर पार्टी को दो। ये सारी बातें जो है 168 में बोली गई हैं, अवार्ड ऑफ कंपनसेशन में। अब आगे बात आती है सेक्शन 169 की। 169 क्या बोलता है, तो आई थिंक आपको सेक्शन 168 समझ आ गया होगा। ये अवार्ड ऑफ कंपनसेशन की बात करता है, अवार्ड कौन देगा, क्लेम्स ट्रिब्यूनल देगा। कितना देगा, जस्ट देगा, देखेगा पार्टीज को, दोनों पार्टीज को सुनेगा, इंश्योरर को भेजेगा नोटिस, सभी को नोटिस भेज के सुनेगा, ये वो डिसाइड करके फाइनली अवार्ड दे देगा। और अवार्ड की कॉपी 15 दिन के अंदर अंदर हैंड ओवर करेगा, और अवार्ड की कॉपी में बोलेगा कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर जवाब देना है, 30 दिन के अंदर अंदर मतलब कि कंपनसेशन देना है जो हमने लिखा हुआ है, बात खत्म। अब आगे आती है बात प्रोसीजर एंड पावर ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल। क्लेम्स ट्रिब्यूनल की क्या प्रोसीजर रहेगा, वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा, क्या पावर होंगी ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल, तो क्लेम्स ट्रिब्यूनल कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा और कौन सी उसकी पावर होगी, ये डिसाइड करेगा सेक्शन 169। तो 169 साफ साफ बोलता है कि जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल है वो समरी प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, समरी प्रोसीजर, छोटा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, समरी प्रोसीजर। पावर की बात की जाए, जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल है उनके पास सिविल कोड की पावर भी है, क्रिमिनल कोड की पावर भी है, खुद ही उनको सिविल कोड मान लिया जाएगा विटनेस को बुलाने के लिए, कंपेल करने के लिए उनकी अपीयरेंस को, वो सिविल कोड की तरह काम कर सकते हैं, क्रिमिनल कोड की तरह काम कर सकते हैं, एविडेंस ले सकते हैं। क्लेम्स ट्रिब्यूनल आर नॉट बाउंड टू फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट, वो खुद ही, उनको खुद ही मान लिया जाएगा, यही सिविल अपना सिविल पावर, सिविल कोड की पावर भी खुद दे दी जाएगी, क्रिमिनल की भी दे दी जाएगी, एविडेंस की भी दे दी जाएगी, चाहे फिर उन्होंने किसी विटनेस को बुलाना हो, कंपेल करना हो विटनेस की अपीयरेंस, ये सारी बातें 169 में बोली गई हैं। अगर आप पढ़ो तो यहाँ लिखा हुआ है इन होल्डिंग एनी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 168, जब 168 जो ये वाला सेक्शन है अवार्ड देते टाइम वो इंक्वायरी करेगा ना, आपको पता है इंक्वायरी करेगा कौन करेगा, क्लेम्स ट्रिब्यूनल, जब इंक्वायरी करेगा 168 के अंडर, द क्लेम्स ट्रिब्यूनल मे सब्जेक्ट टू एनी रूल्स दैट मे बी मेड इन दिस बिहाफ फॉलो सच समरी प्रोसीजर, तो क्या करेगा, क्लेम्स ट्रिब्यूनल समरी प्रोसीजर फॉलो करेगा, लेकिन अगर स्पेशल रूल इस एक्ट के अंदर अलग से बना रखे हैं तो उन स्पेशल रूल्स को फॉलो करेगा, समरी प्रोसीजर फॉलो नहीं करेगा, फिर चाहे लॉन्ग प्रोसीजर क्यों ना फॉलो करना पड़ जाए, तो लॉन्ग प्रोसीजर को फॉलो करेगा, समझा रहा है, सब्जेक्ट टू द रूल्स दैट मे बी मेड इन दिस बिहाफ, अगर रूल्स बना रखे हैं तो ये चीज़ों उसके सब्जेक्ट है, अर्थात उसको माना जाएगा, उसको तो नहीं माना जाएगा, तब समरी प्रोसीजर फॉलो नहीं करेगा, तब क्या करेगा, लॉन्ग प्रोसीजर जो भी चलता है, जो भी रखा गया होगा उसको फॉलो करेगा। अगर लिखा हुआ द क्लेम्स ट्रिब्यूनल शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोड, सिविल कोड की सारी पावर हैं, फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ एंड ऑफ एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेस and of compelling the discovery of the production of the documents and material objects and for such other purposes as may be prescribed, सारी बातें लिखी हुई हैं कि सिविल कोर्ट की पावर है एविडेंस इकट्ठे करने के लिए, कंपेल करने के लिए किसी की अपेयरेंस, डिस्कवरी के लिए, कोई डॉक्यूमेंट के लिए, कुछ भी बातें हैं, सिविल कोर्ट की पावर भी हैं, क्रिमिनल कोर्ट की पावर भी आगे लिखा हुआ है।
आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आज हमने सेक्शन 168 और 169 और क्लेम्स ट्रिब्यूनल डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे आगे के प्रोविजन जो हैं क्लेम्स ट्रिब्यूनल के। थैंक यू।